हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। तो बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो ये देखिए, शाम का टाइम है और ये देखिए, ये पर्दे धोए थे जो मैंने रात, तो ये अब मैं लगवा रही हूँ। इसके चाचू को कह दिया था, मतलब माँ जी ने, कि पर्दे लगा दें। तो सही में इसके चाचू पे लगे नहीं थे ये पर्दे, कह रहे कि मुझे ना इनके कुंडे नहीं चमक रहे हैं और ये है वो है, इन पे लगे नहीं है सही तरीके से। और यहाँ चल रही है किटू की मस्ती, इसे सैंडल पहनने का, फिराक पहनने का इतना शौक है ना, बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो देखिए पहन रखी इसने सैंडल और यहाँ मस्त आ रही है। मैं कह रही कि बेटा सैंडल निकाल दे, पर निकाल नहीं रही थी। और यहाँ इसके चाचू कह रहे थे कि मुझे कुंडे नहीं चमक रहे, मैं ये सारे कुंडे ही हैं, किसी में भी डाल लो, तो इन्हें चमक ही नहीं रहे थे। फिर क्या नाम, मैं खुद ही लग गई थी, मैं चलो तुम हटो, मैं खुद लगा लूँगी इन्हें। फिर क्या नाम, मैंने खाट पर कुर्सी रखी और कुर्सी पर खड़ी होके, माँ जी ने कुर्सी पकड़ी और मैं कुर्सी पर खड़ी होके तब मैंने ये पर्दे लगाए हैं। जब पहले कभी धोई थी तो कई बार इसके पापा घर रहते थे तो इसके पापा लगा देते थे, पर इस बार खुद ही लगाने पड़े। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है पर्दा इधर का, अब मैं दूसरी तरफ का लगा दूँगी। और दूसरी तरफ का लगाने के लिए मुझे खाट सरकानी पड़ेगी पहले उधर। तो ये देखिए कर दिया है खाट इधर। और इसके चाचू कह रहे हैं कि लग गया पर्दे, मैंने कहा हाँ लग गया, वो कहते आप पे तो लगा नहीं, मैंने तो लगा ही दिया। तो क्या नाम, हंस रहे थे ऐसे ही, और उन्हें ना चमका नहीं था तो इस वजह से कुंडे नहीं चमके थे उन्हें, कह रहा कैसे लगेगा ये है वो है, मैं चलो भाई हम खुद ही लगा लेंगे। तो ये देखिए अब दूसरी तरफ का लगा रहे हैं। तो चलिए जी अब दूसरी तरफ का पर्दा लगा देते हैं। और ये ना दूसरी तरफ का छोटा है, और इधर के ना दो थे पहले, इधर की ना आधी दीवार वो हो गई थी, रसोई बनी थी ना जब वो हो गई थी, तो इस वजह से इधर एक ही पर्दा लग रहा है। और जो इधर है, इधर ये दो पर्दे सील रखे हैं, तो इस वजह से इधर बड़ा है। दो या चार पर्दे सील रखे हैं शायद, चार, हाँ चार पर्दे सील रखे हैं, तो इस वजह से ये बड़ा है। तो ये देखिए बाहर पर्दे लगाने के बाद, तो ये आ गई हूँ मैं अब अंदर कमरे पे टांड का पर्दा लगाने के लिए। और इसका ये जो रस्सी है ना, ये निकल रही थी पहले, तो मैंने ये पिरोई, एक तरफ से पिरोई और टांड पे चढ़ी, तो देखा तो दूसरी तरफ से भी निकल रही। फिर ये दूसरी तरफ से तो खैर प्लास्टिक की थी, तो ऐसे ही कर करके मैंने चलो ये कर भी दी। तो देखिए अब मैं से यहाँ से ऐसे ना, इसमें गांठ सी लग रही थी और ये प्लास्टिक की थी, वे आते हैं जो वैसी वाली, तो वे थी, तो ये निकल गई थी ऐसे करने से ना, निकल गई थी। तो मैं चलो अच्छी बात है निकल गई, तो अब मैं इधर बांध दूंगी। और सच्ची में गर्मी इतनी लग रही थी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा, पर क्या करूँ, लगाना तो था ही, और पहली बार लगाया है मैंने ये पर्दा, नहीं तो इसके पापा लगाते थे। तो ये देखिए अब मैं पहले तो, बहुत मुश्किल है ये पर्दा लगाना, क्योंकि अगर सीधा टांड हो ना तो उस पर आसानी से लग जाता है, पर इसमें ना बीच में क्या बोलूँ उसे है, एक वो है जो भी है, मतलब कोना सा है एक बीच में, तो वो है, उसकी वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी क्या बहुत दिक्कत होती है लगाने में। तो ये देखिए पहले मैंने इधर बांधा, ये बीच में भी बंध रहा है, इसमें एक जगह बीच में भी बांधना पड़ता है। तो जब ये सही नहीं बंधा, फिर मुझे आना पड़ा बीच की ये रस्सी खोलनी पड़ी, फिर दोबारा से उधर बांधने गई तो दोबारा से रस्सी टूट गई, दोबारा से फिर इधर से ना देखिए आप, अब रस्सी टूट गई ना, जैसे मैंने बांध दी ना, और फिर मैं बीच में बांधने के लिए आई, मैंने बीच में खींचा थोड़ा सा जोर से देके, वो रस्सी एकदम कट देसी बोल गई, और फिर क्या नाम ऊपर से बांध लेके आए, फिर इसमें दोबारा से रस्सी वो पिरोई। तो देखिए अब टूटेगा ये, ये देखिए ये टूट गया, ये टूट गया। और इस पर्दे ने भी सच्ची में कुछ तो गर्मी लग रही थी, और कभी ये कुछ कर परेशानी हो रही थी कि किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, सही में एक घंटा लग गया था इस पर्दे को लगाने में। तो देखिए फिर ऊपर से दूसरा बांध लेके आई भाजी, फिर वो काटा, फिर पिन लिया नीचे आई थी, फिर कैंची इसमें बीच में छेद करा, काटा इसे पर्दे को थोड़ा सा, तो वहाँ से इसे दोबारा से पिरोया जहाँ से टूट रही थी ना, वहाँ से रस्सी में गांठ मार के तब जाके इसे पिरोया। तो ये मैं ऊपर टांड पे बैठ के लगी पड़ी हूँ पिरोने में। तो चलिए जी खैर हो ही गया है, और परेशानियों के बाद ये है कि हो ही गया काम, परेशानी तो हुई पर काम हो गया था खैर, और वो ये काम हो जाता है तो परेशानी हो चाहे कुछ हो ही गया था।
तो ये देखिए ये लग गया है पर्दा, बांध दिया है। थोड़े से ना अब मैं ना इंटी है ना जो ये पंखे की हवा में उड़ जाता है, तो इसलिए इंटियों से इसे दबाना पड़ता है। तो जी देखिए लग गया है हमारा पर्दा, बहुत मुश्किलों से लगाया ये मेरे पे, अरे इसके पापा लगाते थे, आज ये मैंने लगाया, थोड़ा मुश्किल से लगा पर लग गया। तो यहाँ से थोड़े से ये आ गया सड़वट, पर बाकी ठीक लग गया, हो गया ठीक। और ना गंदा भी बहुत हो रहा था, और इसके पीछे धूल जाले हुए भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अब पंखा चला दिया, मुझे यहाँ लगी थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो अब करनी है मुझे इन कपड़ों की तय जो रात धोए थे, तो अब मैं इन कपड़ों की तय करूँगी। उधर किट्टू के बाबा जी आ गए, मैं नहा रहे आई। तो जी देखिए जैसे मैं अंदर से पर्दा लगा के आई थी ना, तो पहले तो मैं टांड पे चढ़ रही थी और किट्टू के बाबा जी बता ही रहे थे कि आज ना मैं ट्रैक्टर पे से गिर गया था। मतलब गिरे तो नहीं थे ये, पर जैसे कि इन्होंने गिरने वाले थे तो इन्होंने एक हाथ से मतलब टाइट पकड़ लिया वो ट्रैक्टर, तो ये हाथ इनका मुड़ गया और नस पे नस चढ़ गया, और कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें। ये नहाए थे फिर ऐसे कपड़े पहनने लग गए थे और हाथ उठ नहीं रहा था, तो मैं कहा जी डॉक्टर को दिखा लेना, और मैं ट्यूब रखी है, माँ जी की ट्यूब रखी है हाथ की, तो मैं कहा लाओ और लगा देती हूँ। पहले तो मना कर रहे थे, मैं कहा लाओ जी कोई बात नहीं लगा देती हूँ, और तो ये मैंने ट्यूब लगाई थी, तो देखिए इन पे ना हाथ सीधा नहीं हो रहा है, पर ये है कि ये अगले दिन ना ये ठीक हो गया था, ये खुद ही ठीक हो गया था, नस पे नस चढ़ रही थी तो खैर ठीक हो गया था, मैं चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं बनी। और ना कई बार ज़्यादा दिक्कत बन जाती है, पहले तो कह रहे थे कि मेरा कंधा ही उतर गया शायद, तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये देखिए अब मैं लग गई हूँ कपड़ों की तय करने में, तो अब मैं कर दूंगी कपड़ों की तय। पहले इसके बाबा जी के टूप लगाई थी और फिर वे तो बैठ गए थे चाय पीने लग गए थे, फिर उसके बाद मैं कपड़ों की तय करने में लगी, और किट्टू और डुगू ने देखी कि हाँ बाबा जी चाय पी रहे, इन्हें भी चाय पीने की लग गई थी आज सच्ची में बहुत ज़्यादा। माँ जी ने दी थी इसके बाबा जी को चाय बना के, फिर कहने लगे दादी हमें भी पीनी हमें भी पीनी, तो थोड़ी थोड़ी चाय इन्हें भी बना के दी थी। तो ये देखिए ये होगी है मेरे कपड़ों की तय, और किट्टू को देखिए, किट्टू को ना लग रही है कि मैं खुद धर के आऊँगी कप, माँ तो फोड़ेगी ना कप को, लग रहा मुझे तेरा ढाव ऐसे ही। तो ये चल रही है किट्टू और डुगू की पूरी मस्ती, बन गया झोटा, तो झोटा जब भी तो बनाएगी ये, यो बन गया झोटा, छोड़ दी बेचारे जी चिड़िया, क्या है तो क्या है तो कुत्ता कुत्ता भौंक रहा, अरे मेरी गदी उल्टा उल्टा सैंडल पहन रहा तू, भो भो ओ भो भो, ए तने क्या बना रखा इसे झोटा, और वो तो कुत्ता बन रहा ये, देख ये तो भौंक रहा, ये तो कुत्ता बन रहा है तो भौ ओ भौ भौ कर रहा है कुत्ता, कहाँ लेके जाए से कहाँ घर उसके, ओए मैं गदी आ जा भौ भौ, यही लेके आ जा, क्या कर रही किट्टू, ए गुंगी फ्रूटी पीवे, देख एकदम बोल पड़ी क्या कर रही तू, ऐसा सुना नहीं था, क्या कर रही तू मेरे चक्कर में आया तेरा नायक, आए तू बता तो क्या कर रही, बाल भारी किसके, बाजी के बाल भारी, अच्छा कब तक बावेगी, क्या घंटे तक बावेगी, ये भाई का लाड कर रही क्या किट्टू,
ओहो, गोदी में लुटा रखा भाई को, अभी लौटा? अच्छा आपको लौटा, डुगू किसकी गोदी में लौटा? तो दीदी की गोदी में सुकोया तो, और दीदी है, किसकी दीदी है? उसकी जिया की, नोनू की, और तेरी दीदी है या? अ तेरी दीदी तो थकली, पैर दुख रहा किटू भाई, तेरी दीदी को तो पैर दुखने लग गया, कह रही हुआ था उसका पैर दुख रहा, हाँ बीच दे बीच दे, खांसी भी, पैर दुख रहा था तेरा, पैर भींच रहा है, ऐसा ही भींचना है इसका, भींच लिया भाई, ले लौट जा, भींच लिया बस, भींच लिया इसने, भींच भाज के लौट भी गया, हाथ क्यों दुख रहे? तो जी देखिए ये खा रहे हैं हम शाम का खाना अब रात को, तो दोनों सासु बहू बैठी हुई खा रही है, किट्टू और डुगू ने खा लिया था, इसके चाचू भी खा के चले गए थे। तो ये मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो जी बाय बाय।